चल क्या, फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं RAM सेक्शन के बारे में। पिछले जो हमने वीडियो डाला था VRM सेक्शन में, कि VRM सेक्शन में जैसे क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, सप्लाई कहाँ से कैसे बनता है, किस तरह से इसको ओके टेस्टिंग करेंगे, कोर वोल्टेज कहाँ पे चेक करेंगे, कौन कौन से मोस्फेट होते हैं, कौन कौन से IC होते हैं, उस IC का कैसे गेट इनेबल होता है और कैसे वो एक्टिव होता है, काम करता है। तो दोस्तों इसी तरह से आज हम बात करेंगे, हमारा दूसरा सेक्शन है RAM सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि RAM सेक्शन में एक्चुअली क्या क्या लगा होता है, कैसे लगा होता है, उसका सर्किट किस तरह से होता है। तो आज हम आपको बात करने वाले हैं RAM से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, ट्रेसिंग है, आपको फुली ट्रेसिंग करके दिखाएंगे और आपको कंप्लीट उसका सॉल्यूशन भी बतलाएंगे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। लैब में वो प्रिंटर का है, तो यहाँ पे प्रिंटर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LCD LED यहाँ पे लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली 100% प्रैक्टिकली के साथ सिखाया जाता है और बतलाया जाता है एक एक फॉल्ट, एक एक सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर, ठीक है। लाइए तो दोस्तों आज हम बात करेंगे RAM सेक्शन के बारे में कि एक्चुअली RAM सेक्शन कहाँ पे होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि RAM सेक्शन है और यहाँ पे RAM लगता है, ठीक है। इस पर कितनी वोल्टेज आती है, कौन कौन सी वोल्टेज आती है, ये सारा चीज हम आपको बतलाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये RAM सेक्शन है और यहाँ पे फिर देखिए इसमें भी ये RAM सेक्शन है और इस बोर्ड में भी ये येलो कलर है, ये RAM सेक्शन है। तो इसमें एक्चुअली क्या क्या लगा होता है ये हम आपको बतलाते हैं, ठीक है। इस सेक्शन का काम, इस सेक्शन का मेन काम होता है RAM स्लॉट के अकॉर्डिंग RAM स्लॉट को ऑपरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करना, यानी इस सेक्शन का क्या काम है, RAM स्लॉट को RAM स्लॉट के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करना, ठीक है। वो वोल्टेज कितना होता है, कैसे कैसे पहुंचता है, हम आपको एक एक डिटेल में ट्रेस करके बतलाएंगे, ठीक है। तो आप लाइए इधर थोड़ा सा कैमरा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक थोड़ा सा नोट्स लिख दिया है कि इस सेक्शन का काम RAM स्लॉट के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करना होता है RAM स्लॉट को। RAM सेक्शन के अंदर मेन मोसफेट, सपोर्टिंग मोसफेट, इनपुट कॉयल, आउटपुट कॉयल, इनपुट कैपेसिटर और RAM स्लॉट रजिस्टर यानी पैक रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। इस सेक्शन में 5 वोल्ट या 3 वोल्ट की सप्लाई, रिवर्स मोसफेट भी इसमें लगा होता है एक, तो रिवर्स मोसफेट के सोर्स पर जाती है और रिवर्स मोसफेट का गेट पास में लगे किसी रेसिस्टर के द्वारा ट्रांजिस्टर या ड्राइवर IC से एक्टिव होता है या इनेबल होता है। फिर रिजर्व मोसफेट के, रिवर्स मोसफेट के ड्रेन से 5 वोल्ट या 3 वोल्ट की जो भी सप्लाई आ रही होगी वो सप्लाई आगे, सप्लाई मेन मोसफेट के ड्रेन पे जाती है और बीच में एक कॉयल और एक कैपेसिटर लगा होता है जिसको इनपुट कॉयल और इनपुट कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। फिर सप्लाई मेन मोसफेट के, मेन मोसफेट से होते हुए सोर्स से आउट होता है और RAM स्लॉट के अकॉर्डिंग जो सप्लाई मेन मोसफेट के सोर्स से आउट होता है वह सपोर्टिंग मोसफेट के ड्रेन पे जाता है। सपोर्टिंग मोसफेट का सोर्स ग्राउंड होता है, ये सप्लाई तभी आगे बढ़ता है जब मेन मोसफेट और सपोर्टिंग मोसफेट का गेट इनेबल होता है। तो गेट को इनेबल होने के लिए एक पास में आपको पावर IC या ड्राइवर IC लगा होता है। मोसफेट, मेन मोसफेट के सोर्स और सपोर्टिंग मोसफेट के ड्रेन के बीच से सप्लाई आगे बढ़ती है, वही सप्लाई RAM स्लॉट पे जाती है। इसके बीच में एक और कॉयल और कैपेसिटर लगा होता है जिसको आउटपुट कॉयल और आउटपुट कैपेसिटर कहते हैं। अगर आपको RAM स्लॉट को शॉर्टकट में चेक करना है कि आपका RAM सेक्शन ओके है या ओके नहीं है, तो आप आउटपुट कॉयल और आउटपुट कैपेसिटर पर आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अगर सप्लाई मिल रहा है, कोर वोल्टेज मिल रहा है RAM स्लॉट के अकॉर्डिंग, तो आपका ये सेक्शन ओके होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका सेक्शन होता क्या है और बना कैसा होता है। तो RAM सेक्शन, ये देखिए 5 वोल्ट जो नया वाला बोर्ड आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा आपको 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी और जो पुराने वाले मॉडल बोर्ड हैं उस पर 3 वोल्ट की सप्लाई भी आपको मिल सकता है। ये है 24 पिन ATX कनेक्टर, ठीक है। यहाँ पे 3.0, यहाँ पर जैसे 5 वोल्ट यहाँ से आउट हुआ, एक रिवर्स मोसफेट होगा या आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे रिवर्स मोसफेट है। किसी किसी में रिवर्स मोसफेट नहीं होता है, डायरेक्ट कॉयल कैपेसिटर से होते हुए मेन मोसफेट सपोर्टिंग पे जाता है, ठीक है। किसी में यहाँ पे IC हो सकता है या किसी में 8 पिन का यहाँ पे मोसफेट हो सकता है।
तो ये रिवर्स मॉस्फेट है, यहाँ से 5 वोल्ट इन किया, ये सप्लाई तभी आउट होगा जब इसका गेट इनेबल होगा। तो इसके गेट को इनेबल होने के लिए यहाँ पे आपको 8 पिन का ड्राइवर आईसी हो सकता है या ट्रांजिस्टर हो सकता है, ठीक है। यहाँ से जैसे गेट एक्टिव होता है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई कॉइल कैपेसिटर से होते हुए मेन मॉस्फेट के ड्रेन पे आती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब सप्लाई आती है मेन मॉस्फेट के ड्रेन पे, जब सप्लाई आती है फिर यहाँ पे जैसे सप्लाई इनपुट किया, अब ये सप्लाई फिर आगे तभी बढ़ेगा, ये सोर्स से सप्लाई तभी आगे बढ़ता है जब ये इसका गेट इनेबल होता है। तो गेट इनेबल होने के लिए यहाँ पे पावर आईसी या 8 पिन का ड्राइवर आईसी लगा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से ये गेट जैसे इनेबल होगा, ये सप्लाई आगे बढ़ा देगा और आगे बढ़ता है तो फिर जाता है सपोर्टिंग के ड्रेन पे। फिर इसका भी ये अब सप्लाई इधर आगे कब बढ़ता है, यहाँ पे आके ये ब्लॉक हो जाती है, यहाँ पे आके रुक जाती है। फिर जैसे ही गेट एक्टिव होता है, बीच में एक रजिस्टर लगा होता है दोनों के बीच में, और जैसे ही गेट एक्टिव होता है ये सप्लाई कॉइल कैपेसिटर से होते हुए रैम स्लॉट पे, रैम स्लॉट के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ पे आ जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई आता है, तो यहाँ पे अगर पावर आईसी होगी या ड्राइवर, यहाँ पे 5 वोल्ट या आपको 12 वोल्ट सप्लाई आएगा डायरेक्ट ATX कनेक्टर से, ठीक है। तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से एक्टिव होगा। सपोर्टिंग मॉस्फेट का जो सोर्स होता है वो हमेशा ग्राउंड होता है, और यहाँ पे सप्लाई जो आती है ऑपरेटिंग वोल्टेज और रैम स्लॉट के अकॉर्डिंग जो सप्लाई आती है वो हम आपको बतलाते हैं। और इस पर जो सप्लाई आती है, जैसे हम आपको बतला दें कि अगर SD RAM होगा, ठीक है, SD RAM होगा तो इस पर आपको सप्लाई मिलेगा 3.3 वोल्ट, ठीक है। DDR1 होगा तो इस पर मिलेगा आपको 2.5 वोल्ट, DDR अगर 2 होगा तो इस पर मिलेगा 1.8 वोल्ट, ठीक है। DDR अगर 3 होगा तो इस पर मिलेगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। DDR अगर 4 होगा तो इस पर मिलेगा 1.2 वोल्ट। ये जो अगर SD RAM होगा तो 3.3 वोल्ट मिलेगा, DDR1 होगा तो 2.5 वोल्ट मिलेगा, DDR2 होगा तो 1.8 वोल्ट मिलेगा, DDR3 होगा तो 1.5 वोल्ट मिलेगा, अगर DDR4 होगा तो 1.2 वोल्ट मिलेगा। तो आप इसको ट्रेसिंग कैसे करेंगे ये हम आपको बतलाने वाले हैं। और इससे प्रॉब्लम क्या आता है, इससे प्रॉब्लम आता है नो डिस्प्ले, रीस्टार्टिंग कंटिन्यू बीप प्रॉब्लम और ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम, ठीक है। ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम होता है जो इसी से आता है। अगर नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो गया तो रैम से ही, रैम सेक्शन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा आपको आता है नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम आपको ट्रेसिंग करके दिखाते हैं कि कैसे ये है। ये तो हो गया कि आपको इस तरह से होता है, ठीक है। तो हमने ये सेक्शन यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 24 पिन ATX कनेक्टर है और ये आपका रैम सेक्शन है, ठीक है। तो हम इसको आपको ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने के लिए आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखना है, ठीक है। तो हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पे करते हैं, ये मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पॉइंट पे है, ठीक है। अब हमको इसमें ट्रेस करना है कि 5 वोल्ट कहाँ आता है। तो इसमें देखेंगे कटिंग साइड में, एक साइड में, दोनों साइड में देखेंगे, एक साइड में हल्का सा एक पॉइंट बना होता है साइड में, ठीक है, एक लाइनिंग बनी होती है, तो एक नंबर पिन होता है। तो हमें तो लेना है 3, तो इसका जो चौथा नंबर पिन होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, यानी 3 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट की सप्लाई हमें ढूंढना है रिवर्स मॉस्फेट पे। रिवर्स मॉस्फेट कहाँ पे लगा है तो हमें चेक करना है इसको ऐसे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे ये है रिवर्स मॉस्फेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये रिवर्स मॉस्फेट आ गया, यानी 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से हमें यहाँ पे मिल रही है रिवर्स मॉस्फेट के ड्रेन पे, ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से अब सप्लाई इसके ड्रेन से आउट होगा, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे ड्रेन पे, उससे पहले हम देखते हैं कि इसका जो गेट है, ये गेट किससे एक्टिव हो रहा है। तो इसका गेट पर हम एक फ्रॉग रखते हैं और देखते हैं कि किससे एक्टिव हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक लगा है ड्राइवर आईसी, ठीक है, थोड़ा सा पास करिए। यहाँ पे देखिए एक ये 8 पिन के एक ड्राइवर आईसी लगा है, इससे इसका गेट एक्टिव हो रहा है, ठीक है। या किसी किसी में आपको ट्रांजिस्टर भी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 पिन का लगा हुआ है, तो किसी किसी में ये ट्रांजिस्टर भी मिल जाएगा, पर इसमें लगा है 8 पिन का
यहाँ पे ड्राइवर ऐसी, तो इससे इसका गेट एक्टिव होगा। जैसे ही गेट एक्टिव होगा ड्रेन से सप्लाई आगे बढ़ेगा, फिर जाएगा ये मेन मोसफेट पे, मेन मोसफेट के ड्रेन पे। तो देखिए ये है हमारा मेन मोसफेट, ठीक है। यहाँ से सप्लाई कहाँ चला गया, यानी यहाँ से सप्लाई निकला तो यहाँ पे चला गया। इसके बीच में एक क्वाइल लगा है, ठीक है, इसके बीच में एक क्वाइल लगा है, ठीक है, रिवर्स मोसफेट के। तो हम देख लेते हैं, ये हमारा एक यहाँ पे क्वाइल लगा है, तो इस पर चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये एक क्वाइल लगा है, ठीक है, और ये कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ से सप्लाई होते हुए आ जाएगा मेन मोसफेट के ड्रेन पे, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसका गेट जब से एक्टिव होगा, जो ही इसका गेट एक्टिव होगा या इनेबल होगा, सप्लाई यहाँ से आपको आउटपुट हो जाएगा। वो कितना होगा ये रैम स्लॉट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उस बोर्ड में कौन सा रैम लगेगा या कौन सा स्लॉट है, ठीक है, DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है, जो भी होगा इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ से सप्लाई आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन, ठीक है। यहाँ से जो सप्लाई निकलेगा कहाँ जाएगा, सपोर्टिंग के ड्रेन पे। तो ये हो गया मेन मोसफेट, मेन मोसफेट का ये हो गया आपका सोर्स, सोर्स और ये देखिए मेन मोसफेट का सोर्स और सपोर्टिंग का, मेन का सोर्स और सपोर्टिंग का ड्रेन देखिए जुड़ा हुआ है आपस में, थोड़ा सा पास करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे यानी ड्रेन पे सप्लाई आ गया। अब फिर देखिए सपोर्टिंग का जो सोर्स होता है वो ग्राउंड है, तो हम देखेंगे ये सपोर्टिंग मोसफेट है, इसका ये सोर्स हुआ और ये देखिए ये ग्राउंड से बीप कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सपोर्टिंग का जो सोर्स है ग्राउंड है। अब इसका गेट एक्टिव होता है, तो गेट देखिए कहाँ से एक्टिव होता है अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पास में दो रजिस्टर लगे हैं, जैसे एक ये रजिस्टर हो गया और एक ये रजिस्टर हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि दो पास में रजिस्टर लगे हैं, ठीक है, थोड़ा सा और पास करिए। तो ये देखिए ये रजिस्टर जुड़े हुए हैं, देखिए ये अब इसका गेट हुआ, ये सोर्स था और ये गेट है, तो गेट देखिए इससे जुड़ा होगा। देखिए इसके अगले पॉइंट में देखते हैं, ये दोनों साइड से इसलिए क्योंकि ये जो होता है जीरो वैल्यू का होता है, ठीक है। फिर इस सपोर्टिंग मॉस्फेट का भी ये आपका सोर्स रजिस्टर है, ठीक है, तो दोनों ये जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ से जो सप्लाई, अब ये इसे मतलब कहाँ से एक्टिव हो रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे रखा और फिर हमने टेस्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी एक लगा हुआ है 8 पिन का, पर ये डायरेक्ट सप्लाई नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये सप्लाई कैसे जा रहा है। तो यहाँ पे मेन और सपोर्टिंग था ही, तो देखिए ये जो है यहाँ पे हमने रजिस्टर पे रखा है और ये जो ड्राइवर आईसी है यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट आईसी से ही एक्टिव हो रहा है। थोड़ा सा लाइट आ गया, इसको यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए ये देखिए डायरेक्ट जो है इस ड्राइवर आईसी से ये एक्टिव हो रहा है यहाँ पे सप्लाई, ठीक है। तो सपोर्टिंग मोसफेट का ही गेट एक्टिव हो गया। और फिर जो आप देखते हैं मेन मोसफेट का गेट, तो यहाँ से देखिए किसी और पे नहीं, इस पर नहीं है, देखिए दो नंबर पिन जो है यहाँ पे इससे एक्टिव हो गया, ठीक है, यानी ये सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये इसका भी गेट एक्टिव हो गया, मेन का भी। अब जैसे ही ये गेट एक्टिव होगा सपोर्टिंग के सोर्स से सप्लाई आउट होगा, ये सपोर्टिंग के जैसे ही इसका गेट एक्टिव होगा सपोर्टिंग के सोर्स से, ये तो इस पिन से हो गया और सपोर्टिंग के सोर्स से ये आउट होगा, तो फिर बीच में क्वाइल कैपेसिटर लगे होंगे। तो ये सपोर्टिंग का मोसफेट, ये देखिए ये रिवर्स हुआ, ये मेन हुआ, ये सपोर्टिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ इसके ड्रेन से क्वाइल पे सप्लाई जाएगा, ठीक है, देखिए ये क्वाइल पे सप्लाई आ गया और क्वाइल से ये जो सप्लाई है ये आपको आ जाएगा किस पे, क्वाइल से कैपेसिटर से होते हुए आ जाएगा आपको रैम स्लॉट पे। तो ये चेक करते हैं रैम स्लॉट पे कि सप्लाई आया कि नहीं। देखिए ये देखिए ये आपका सप्लाई, देखिए ये रैम स्लॉट पे सप्लाई आपका मिल गया, ठीक है, रैम स्लॉट पे आपका सप्लाई 110% बनेगा ही बनेगा। तो ये तो हो गया आपका सप्लाई की, जैसे 5 वोल्ट की सप्लाई रिवर्स मोसफेट पे आया, फिर गेट एक्टिव हुआ, यहाँ से कॉइल कैपेसिटर तो मेन के ड्रेन पे आया, फिर यहाँ से जैसे मेन मोसफेट का जो गेट है एक्टिव हुआ, फिर ये सोर्स से आउट किया और सप्लाई सपोर्टिंग के ड्रेन पे आया।
फिर इसका जो गेट एक्टिव होगा तो ये सप्लाई यहाँ से होते हुए आपके रैम स्लॉट पे आ गया। अब होता है कि यहाँ पे जो सप्लाई कहाँ से बनती है, तो यहाँ पे जो सप्लाई है ये ATX कनेक्टर से आती है, वो 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, ठीक है। या बीच में रजिस्टर हो सकता है, या डायरेक्ट आ सकता है, या 3 पिन का यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, या डायोड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में आपको 3 पिन का जो होता है डायोड भी हो सकता है, ठीक है, और 3 पिन का ट्रांजिस्टर, सॉरी 3 पिन का ट्रांजिस्टर हो सकता है, या यहाँ पे आपको डायोड भी हो सकता है एक, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी लास्ट के सेकेंड लास्ट वाली जो पिन होती है 12 वोल्ट की सप्लाई होता है येल्लो वाली कलर पिन से, ठीक है, येल्लो वाली वहाँ पे वायर आती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, और देखिए ये एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ बीच में, यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर हमने बनाया है, यहाँ पे बीच में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ट्रांजिस्टर से फिर दूसरे पिन से ये आउट हो रहा है सप्लाई, और दूसरे पिन से जब आउट हो रहा है तो यहाँ पे जा रहा है डायोड, डायोड पे, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पास में डायोड है, ठीक है। फिर डायोड के अगले पिन से हमारे जो IC है इस पे जा रहा है, देखिए, ठीक है। एक बार और आपको करके, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रही है यहाँ से, फिर यहाँ पे, और यहाँ से सप्लाई जैसे दूसरे पिन से आउट हो रहा है तो यहाँ पे डायोड पे जा रहा है, और डायोड के अगले पिन से फिर ये IC पे चला जा रहा है, यानी इस पे 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको रैम सेक्शन में अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारा चीज़ ओके है, गेट वगैरह एक्टिव नहीं हो रहा है, तो ये जो रजिस्टर होता है ये ख़राब होता है सबसे ज़्यादा। तो ये रजिस्टर को चेक करेंगे, ये बीच में जो ट्रांजिस्टर या डायोड लगा या रजिस्टर जो भी लगा है उसको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद सारा चीज़ सप्लाई ओके है, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप रैम को एक बार क्रॉस चेक करिए, दूसरा लगा कर देखिए, आप 110% आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगा ही होगा। तो आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और ऐसे ही देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरे सेक्शन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।